ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ देखिए जी काफी अच्छा लग रहा है और आज काफी अच्छा लगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र जो देने का काम किया है वो काफी अच्छा है। इससे काफी हमारे देश के युवा प्रेरित होंगे और वो और मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करके देश की सेवा करने का अवसर उनको प्रदान होगा आगे। तो क्या क्या कार्य क्या क्या काम रहेंगे जैसे बीएसएफ में आपको आज नियुक्ति मिला नियुक्ति पत्र मिला है इस जॉब में कौन कौन से काम रहेंगे आपके लिए? देखिए मैं अभी मुझे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे ये नियुक्ति पत्र मिला है तो मैं मेरा जो स्थान है जहाँ मैं मेरा जॉब कर रहा हूँ उसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर जहाँ पर मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना और उसके अलावा रिसर्च कार्य करना और बाकी जो भी मीन्स कॉलेज हमें दायित्व देता है उस दायित्व का निर्वहन करना। तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। तो मेरे नाल अमनदीप भी है उन्होंने भी गल करा उन्होंने भी नियुक्ति पत्र मिले है। अमनदीप किवें लग रहा अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साफ स्क्रीन पर आए उन्होंने संबोधन भी किया उस तो बाद अनुराग ठाकुर जिहड़े केंद्रीय मंत्री हैगे ने उन्होंने थानू नियुक्ति पत्र दिता अपने हाथ नाल सर बहुत ही वधिया लग रहा है जो प्रधानमंत्री ने अपना नौकरियां कढ़िया हुई ने ते उन्हां विच मतलब मैनू भी मौका मिलिया है बीएसएफ विच आन दा ते मैं चाहनी हां कि अगे बच्चे होर फॉर्म फिल करन जो सरकार नौकरियां कढ रही है तां जो उन्हां नू मतलब बीएसएफ दे विच आउण दा मौका मिले। जॉब की हैगी थोड़ी इस वेले जिहड़ी तुहानू जॉब मिली बीएसएफ कुक दे विच जॉब मिली है मैनू हां जी ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਂਗਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈਦਾ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਆਪ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਜੋਬ ਕੇ ਕਬ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਸਰ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਬ ਅਭੀ ਜੁਆਇਨ ਕਬ ਕਰੋਗੇ सर अभी ना यहाँ दिया नहीं है मतलब ट्रेनिंग दी है जो 13-3 को होने जा रही है जलंधर में मेरी मतलब ट्रेनिंग है जलंधर में भी। धन्यवाद दैनिक सवेरा टीवी ना जुड़ने लई ता जॉब मिली है नियुक्ति पत्र मिल चुके ने ते आने वाले थोड़े दिनों दे विच ही जिहड़ी जॉब जिहड़ी हैगी आ उह इन्हां दी लगन जा रही है नियुक्ति पत्र मिल चुके ने और खासा उत्साह जिहड़ा हैगा उह इन्हां नौजवानां च देखण नूं मिल रिहा क्योंकि नियुक्ति पत्र दे नाल नाल जदों सरकारी नौकरी लग जांदी आ ते जिहड़ा चाह हुंदा नौजवानां नूं होर ज्यादा वध जांदा क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड हुंदी सरकारी नौकरी की। मैं कुछ होर नियुक्ति पत्र जिहड़े जिन्हां नूं मिले उन्हां नाल गल करांगे। मैडम बहुत बहुत पहला तो तुहाडा स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी उत्ते। मुझे पंजाबी नहीं आती। अच्छा बहुत बहुत आपका स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी पे। तो आपको आज नियुक्ति पत्र मिला है प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जीवन में पहली बार रोजगार मिलने का जो सुख होता है ना वो आज प्राप्त हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ और सरकार की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज अनुराग ठाकुर खुद आपके समक्ष हुए थे उन्होंने खुद अपने हाथों से आपको नियुक्ति पत्र मिल दिया और खास करके नरेंद्र मोदी जी ऑन स्क्रीन आकर के युवाओं को उत्साहित किया उन्होंने। हाँ जी और वो जिस तरीके से वो हमारा ये प्रोत्साहन कर रहे थे वो काफी मतलब ऐसा लग रहा था ना कि देश के लिए हमें भी कुछ करना है और फिर आगे अपने देश को और आगे से आगे ले जाना है एक विश्व में एक स्तर होना चाहिए भारत का और इसके लिए हम भी अपने ओर से प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो ये सन ओ लोग ओ नौजवान जिन्होंने नियुक्ति पत्र अज मिले ने खासा उत्साह और खासी खुशी जड़ी हैगी उन्होंने चेहरे ते साफ देखी जा सकती है क्योंकि एक खासी खुशी नौजवानों के चेहरे के उत्ते नजर आ रही है क्योंकि एक देश का मोढ़ी जदों खुद ऑन स्क्रीन पर आए केंद्रीय मंत्री जदों उन्होंने समक्ष उन्होंने मूहरे खड़ा होवे और उन्होंने अपने हथी नियुक्ति पत्र देवे तो हौसला बदोबदी नौजवानों का बढ़ जाता है। कैमरामैन सुखविंदर सुरिंदर कंबोज दैनिक सवेरा टीवी जलंधर।